हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, लेट्स डिस्कस। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 34 लेकर आए हैं, और यह वर्कशीट 21/9/2020 के लिए। ताकि इसे एक एक करके बेहतर तरीके से समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन भी मैंने अटैच कर रखा है। और ये धातु और अधातु आज भी कंटिन्यू हो रहा है, तो ये आपका जो प्रीवियस वर्कशीट था उसी को के बिहा पे आज ये उस वही चैप्टर आज कंटिन्यू हो रहा है। तो आइए इसे देखते हैं, आयनिक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक बेसिकली, आयनिक यौगिक आयनों से बने होते, किससे? आयन से। और आयन क्या होगा? पॉजिटिव आयन या धन आयन, यानी वे ये आयन के वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन हो या को तो या तो ग्रहण करते हैं या फिर क्या करते हैं, उनका त्याग करते हैं, जिन्हें हम उन्हें धनावेश या ऋणावेश कहते हैं। मतलब धनावेश जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करना, और ऋणावेश जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शामिल करना, गेन करना। तो धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। क्या करते हैं? अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। उन पर एक धन आवेश होता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, उन पर एक ऋण आवेश होता है। तो इसे एक एक करके मैं समझाऊंगा अभी आपको। अब देखिए, दूसरे शब्दों में कहे तो आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन्हें आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। यह तत्व है, ये क्या है? तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या त्याग करते हैं। अष्टक के पूरा होने के लिए आयनों का निर्माण उन्हें स्थिरता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। मतलब धातु जैसे ये देखिए कितने होते, Ke, Al, Mn, Cl होता है। तो इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये अभी काम आने वाला है। अब देखिए, धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, जबकि अधातुएं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेती हैं। और धातु और अधातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। क्या बनाने के लिए? आयनिक यौगिक बनाने के लिए क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है जो हमें समझना है। आयनिक यौगिक को स्थिर विद्युत यौगिक के रूप में जाना जाता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निर्मित आयनिक आबंधों को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिकों में आयन होते, क्या होते? आयन होते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोडियम और कैल्शियम, ये देखिए यहाँ जो क्या है, Na+ और Cl-। तो Na+, तो इसका जो हमें कन्फिग्रेशन फिगर लिखते हैं, 2, 8, 3 लिखते हैं, कितना होता है परमाणु संख्या इसका? 11 होता है। तो 2, 8, 3, 2, 8, 10, सॉरी 2, 8, एक सेकेंड दोस्तों, NaCl होता है। NaCl को तो सोडियम का 2, 8, 1 लिखते हैं, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 11 होता है। कैल्शियम का 2, 8, 7 लिखते हैं, क्योंकि इसका 17 होता है, ठीक है। तो ये एक अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ये गेन करेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या करेगा, त्याग करेगा। तो इसी को इस फिगर में समझाया गया है। जैसे Na+, Na+ कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 4 और 6 है, और प्लस में इसमें 1 है, ठीक है, और क्लोरीन में 2, 2 और 1। ये तो ये मिला कि ये अपना अष्टक पूरा किया, और ये तो अपना अष्टक पूरा कर ही रखा है, ठीक है दोस्तों, ये दो मिला करके। अब देखिए, ये Na+ और Cl, ये कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और कैसे ये ग्रहण किया है। अब देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, इसे आपको समझना है। Mg+, Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या होगा, लेगा, गेन करेगा। तो इसे इस फिगर के द्वारा बताया गया है। इस फिगर में देख सकते हैं जो है ना, Mg+, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, Mg मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, आपको पता होना चाहिए परमाणु संख्या, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट 25 परमाणु जो एलिमेंट है उसको मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, 2, 8 और 4 लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम को। अब देखिए, तो इसी तरह जो है ना, इसको क्लोरीन, क्लोरीन ये 2-2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया, दे दिया है, ठीक है,
तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब आइए इसमें जो कुछ क्वेश्चन है उसे हम एक एक करके बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं। धनायन एवं ऋणायन क्या होते हैं, धनायन एवं ऋणायन किस प्रकार बनते हैं, तो और आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो आइए इसे एक एक करके हम बेहतर तरीके से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो धनायन एवं ऋणायन क्या होता है, धनायन एवं ऋणायन किस प्रकार के बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो तत्व त्याग करता है वे उन्हें धनायन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का ऋणायन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऋणायन कहते हैं। ठीक है, इसी में आपका एक और है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धनायन, और उसके बाद यहाँ पर है क्या, धनायन एवं ऋणायन किस प्रकार बनते हैं, तो धनायन और ऋणायन किस प्रकार बनते हैं, ये बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर जो है ना क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट का ही आंसर है। ठीक है, फर्स्ट का ही कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, धनायन और ऋणायन किस प्रकार बनते हैं। तो आइए तो धनायन एवं ऋणायन किस प्रकार बनते हैं, ये फर्स्ट का ही है, बी पार्ट, इसे बी पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तब धनायन बनते हैं और अब उन पर धन आवेश होता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, उन पर एक ऋणायन व अर्थात ऋण आवेश होता है। अब उसके बाद अब हम चलते हैं आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं, क्या कहते हैं आयनिक आबंध, बस क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है दोस्तों, कितना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं, तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निर्मित आयनी रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और त्याग क्यों करते हैं, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करते हैं, क्या करते हैं, अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास के को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये इससे आपके जो है ना बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं क्वेश्चन। इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है, बिल्कुल हम इसे अच्छे से करते हैं। तो देखिए कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का 19 होता है, कितना होता है, बीस होता है, कितना होता है, 20 होता है ना दोस्तों, 20 होता है, 2 8 8 2 लिखते हैं इसको। ठीक है, 20 क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, और ऑक्सीजन का 2 6 6 लिखते हैं, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन किया, तो यहाँ इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं Ca2+, क्योंकि इसने 2 जो है ना गेन किसी दूसरे को दिया, और ये ऑक्सीजन ने इसे गेन करके ये अपना अष्टक को पूरा किया। अष्टक को पूरा करने के लिए क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है, 2 8 18 32 जैसे एक एटम है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये पहले पांचवा समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा जैसे Na+Cl- थे, Na+ और Cl- थे, Na पर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन को क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये क्या हो गया NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब क्लोरीन किस तरह से लूज गेन किया, तो Cl+ एक इलेक्ट्रॉन, तो Cl-20 पे चढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 34 खत्म हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।